ओके गाइस, अब हम करेंगे एंट्रो 311 का टॉपिक, पिंक फॉल वॉर्म या कपास की गुलाबी सुंडे जैसे कहते हैं। अब नाम से क्लियर है कि जो इसका होस्ट प्लांट रहेगा वो क्या, मेन होस्ट प्लांट क्या रहेगा, कपास या कॉटन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो जैसे सबको पता है कि जो इंसेक्ट है उसकी फाइलम और क्लास सेम रहेगी, और उसका ऑर्डर जो है इसका पिंक बॉलवर्म का, दैट इज लेपिडोप्टेरा एंड ग्लैसिडी इसके फैमिली है। और जब हम जीनस और स्पीशीज की बात करते हैं तो इसका जो जीनस है वो है बैक्टीनोपोरा, या जिसे पैलेटेड्रा भी कहते हैं, और इसकी जो स्पीशीज है वो है गोसीपाइला। तो ये जो जीनस और स्पीशीज है, ये जो इसके साइंटिफिक नेम है, ये इसका जीनस और स्पीशीज होता है। अब हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की। तो होस्ट प्लांट के नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि कपास की गुलाबी सुंडे। तो कपास की गुलाबी सुंडे का मीन्स है कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो क्या है, कपास। मेन जो होस्ट प्लांट है कपास की, जो अगर हम कपास की पेस्ट की बात करेंगे तो मेन जो उसका होस्ट प्लांट है वो कपास ही रहेगा। और भी होता है सन है, जूट है, इस प्रकार के प्लांट हो सकते हैं, पर जो ये गुलाबी सुंडी है ये कि इसका जो है होस्ट प्लांट वो है कपास, या जिसे कॉटन भी कहते हैं। कभी कभी किसमें बात, देखो ये कंदी, दक्षिण सन या गुलखैरा आदि में भी मिलता है। तो कुछ कई बार क्या होता है, इन प्लांट्स को भी ये होस्ट प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वितरण की या इसका क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड वाइड कैसे पाया जाता है, या इंडिया में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे पाया जाता है। वर्ल्ड वाइड जब बात करते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन बर्मा में, लंका में, मिश्र, दक्षिणी अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, हवाई, फिलीपाइन और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जबकि हम इंडिया में जब बात करते हैं तो इंडिया में यह है जो इंसेक्ट है वो 1842 में बम्बई में पाया गया था, जिसको अब मुंबई कहा जाता है, मीन्स महाराष्ट्र में पाया गया था। अब इसके अलावा कहाँ है ये, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ना आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तरी बिहार, और जहाँ पर भी कपास की खेती होती है, मीन्स जहाँ कॉटन की पैदावार होती है वहाँ पर ये इंसेक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डैमेज की या इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। किस प्रकार का इसका डैमेज का नेचर होता है, या किस प्रकार ये प्लांट्स को या फसल को नष्ट करते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, यह जो कीट है वो जो कॉटन सीड्स होते हैं उसके अंदर सुंडी अवस्था में पाया जाता है, कॉटन सीड्स के अंदर पाया जाता है। और यह जो है यह शीत निष्क्रियता को दर्शाता है। शीत निष्क्रियता में जब सर्दी का मौसम होता है, जाड़े का मौसम होता है, तब यह जो है ये इनएक्टिव या असक्रिय अवस्था में, सुप्त अवस्था में रहता है, और जब गर्मी आती है तो ये एक्टिव हो जाता है। और ये क्या, बीजों के साथ ही खेत में पहुंच जाते हैं। क्यों, ये कॉटन सीड्स में रहता है, कॉटन सीड्स के कारण ये खेतों में पहुंच जाते हैं। और यह जो लार्वा फॉर्म है, सुंडे अवस्था है, ये कृमि कोष में बदल जाती है और फिर फ्रूट कीटों में परिवर्तित हो जाती है। और इस इंसेक्ट की केवल जो लार्वा अवस्था है वो ही हानिकारक होती है। और ये जो लार्वा अवस्था है या जो ये सुंडी अवस्था है, ये आप देखो इस तरह से होते हैं, देखो दिखाई दे रही है ना हमें ये। और इसकी अगली स्टेज क्या आएगी, हमारे पास प्यूपा, और लास्ट हमारे पास क्या होती है, एडल्ट। तो ये फोर स्टेजेस क्लियर दिखाई दे रही है हमें इस डायग्राम में। तो ये जो हमारे पास लार्वा है या जो ये सुंडी है, ये जो कोमल टहनियाँ होती हैं, ये जो पत्तियाँ होती हैं, कलियों और फूलों सबको खाती है। और ये कोमल जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस उसके अंदर छेद करके सुरंग बनाकर उसके अंदर ही घुस जाती हैं, जिससे ये जो टहनियाँ हैं वो मुरझा जाती हैं और लटक जाती हैं।
और जब इस पे जो बड्स लगते हैं या जो ये गोले लगते हैं कॉटन के लिए, उस पर यह सुंडी अटैक करती है और छेद बनाकर उसके अंदर घुस जाती है। और जो ये इंसेक्ट द्वारा अटैक किया जाता है सुंडी द्वारा, वो छोटे गोलों में किया जाता है और गोले के बढ़ने के साथ साथ छेद भी बंद हो जाता है और छेद के स्थान पर केवल एक निशान ही दिखाई देता है और बड़े गोलों में छेद खुला रहता है। और गोले के अंदर अगर ये सुंडी जाए तो नेचुरल सी बात है कि जो गोले के अंदर का पोर्शन है या जो कॉटन प्रोडक्शन है, कॉटन बन रही है, उसको ये डैमेज करता है। तो इसके अंदर जो बिनोले बन रहे होते हैं उसको ये नष्ट कर देता है और उसको खोखला बना देता है और ये उसी के अंदर ही रहने लगती है सुंडी। और ये जो अटैक किए हुए गोले होते हैं या जो प्रकोपित गोले होते हैं, ये समय से पहले खिल जाते हैं या झड़ जाते हैं, मतलब फाइनली फसल का खराब होना शुरू हो जाता है या जो कॉटन है वो, उसकी जो कॉटन के बाउल है वो गिर जाते हैं। और इससे जो ऐसे जो प्रकोपित जो गोले हैं उसमें क्या होता है कि जो छेद हो जाते हैं उसके कारण उसमें फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी अटैक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और इसमें से जो कॉटन बनती है, इस प्रकार जो प्रकोपित गोले होते हैं उसमें जो कॉटन बनती है या जो फसल बनती है वो बहुत घटिया किस्म की रहती है। और उन बिनोलों में तेल की जो मात्रा होती है, बिनोले से तेल निकलता है ना, तो वो जो तेल होती है उसकी मात्रा भी बहुत कम हो जाती है और ये मतलब दोबारा होने के योग्य नहीं रहते। और एक गोले में मैक्सिमम कितनी सुंडियाँ पाई जाती हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि ये इसके अंदर कितनी सुंडियाँ पाई जाती हैं, 10 मैक्सिमम एक गोले में 10 सुंडियाँ पाई जा सकती हैं। और ये जो इंसेक्ट है इसका अटैक अमेरिकन जो कॉटन है उसमें भी होता है, अमेरिकन कॉटन में भी इसका अटैक होता है। अब जो धब्बेदार सुंडी हमने पहले पढ़ी थी स्पॉटेड, और अब ये जो हम ये जो लाल सुंडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ये पिंक बॉल वॉर्म पढ़ रहे हैं, दो पढ़े ना हमने इससे पहले, हमने की थी स्पॉटेड बॉल वॉर्म और अब हम पिंक बॉल वॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों में एक मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है कि ये जो फ्लावर निकलते हैं उसकी जो ओवरी होती है उसको ये खाना पसंद करते हैं, जबकि दूसरी जो स्पॉटेड है, स्पॉटेड किसको खाती है, ओवरी को, अंडाशय को। और जबकि जो पिंक बॉलवर्म है वो किसको खाती है, एंथर्स को। मींस एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। तो प्रकोपित जो गोले होते हैं वो झड़ जाते हैं और समय से पहले नहीं, समय से पहले ही खिल जाते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि जो बड़े गोले होते हैं उसमें छेद को बंद कर दिया जाता है और जो पहले जो छेद होते हैं किसी गोले में, जो ज़्यादा बड़े साइज के गोले होते हैं उसमें वो खुला भी रहता है, तो इसमें इनका जो दूसरे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में हमने देखा है कि या तो कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, या तो 3 या तो 4। तो ये जो इंसेक्ट है इसमें हमारे पास 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। 4 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग, सेकंड सुंडी या लार्वा, थर्ड इसका प्यूपा एंड फोर्थ वन इज इसका एडल्ट। चार स्टेजेस जो हमारे पास पाई जाती हैं। एग की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज जो लाइफ की है, तो इसमें क्या होता है जो फीमेल इंसेक्ट है, एग में एग की बात करते हैं हम फर्स्ट, तो जो फीमेल इंसेक्ट है वो कॉपुलेशन के 1-2 दिन बाद ही एग लेंग शुरू कर देती है, अंडे देना शुरू कर देती है। और मई तक, ये मई के महीने से ये कहाँ देती है, जो कॉमन लीव्स होती हैं, सॉफ्ट पत्तियाँ, टहनियाँ या उसकी जो बड्स हैं, कलियाँ, फ्लावर और गोलों पर एग्स देती हैं, मतलब लगभग प्लांट्स के पूरे ही पोर्शंस जो होते हैं, पूरे जो पार्ट्स हैं
उस पर एग लेइंग शुरू हो जाती है और जो एग्स हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं। एक फीमेल द्वारा जो अलग अलग एरियाज में पाई जाती हैं उसमें लगभग 125 से लेकर 300 एग्स दिए जाते हैं, 125 से लेकर 300 एग्स तक दिए जाते हैं। और जो ये एग है वो 0.5 mm लंबा और 0.3 mm चौड़ा होता है, सेमी ट्रांसपेरेबल होता है, ठीक है। और इसका जो कलर है वो पहले तो और सेमी ट्रांसपेरेबल वाइट होता है और बाद में जब ये पक जाता है तो उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। और ये इन्वायरमेंट वेरिएशंस के कारण भी इसके जो हैचिंग है टाइम में वेरिएशंस होती हैं कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरिएशन के कारण 4 से 29 दिन 4 to 29 days तक इसकी हैचिंग टाइम रहता है, मतलब जो एग है वो 4 से लेकर 29 दिनों तक पककर फूटता है। और उत्तर प्रदेश में बरसात के दिनों में जो एग है वो एग हैचिंग का टाइम ओनली एंड ओनली 4 to 5 days ही रहता है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये जो स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं ये हर इंसेक्ट के डिफरेंट होते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा गौर से पढ़ो भी और याद भी रखना होगा कि कौन सा इंसेक्ट है या जो उसका हैचिंग टाइम है वो कितना है। कुछ ऐसा इंसेक्ट है जिस पर गर्मी सर्दी का या टेम्परेचर वेरिएशन का फर्क नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिस पर टेम्परेचर वेरिएशन का फर्क पड़ता है। तो ये सब स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सुंडे की, या जो हमारे पास क्या स्टेज है लार्वा। अभी हम बात कर रहे थे अभी तक एग की, और अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेज। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज होगी, अब हम आ गए हैं सेकेंड स्टेज जो कि 4 to 21 days की माए एग है हैचिंग होके उसमें से लार्वा या सुंडी निकलती है। तो ये क्या होती है, सुंडी क्या होती है, सफ़ेद रंग की होती है और सिर क्या होता है उसका काले रंग का होता है। और पहले सफ़ेद रंग की होती है, काले रंग का सिर होता है और बाद में इसका कलर चेंज होकर पिंक कलर का हो जाता है। और 1 mm लंबाई की स्टार्टिंग में होती है, और जब ये बिल्कुल विकसित हो जाता है, इसका परिवर्तन हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है, तो ये 13 mm लंबा और 2 mm छोटी हो जाती है। और ये जो इसमें निर्मोचन की जो प्रोसेस है वो 3 बार होती है, 3 बार इसमें त्वचा निर्मोचन की जा होती है जिससे ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। और इसके जो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 प्रकार के लाइफ साइकिल पर डिपेंडेंट होता है। अब ये भी एक बहुत स्पेसिफिक करेक्टर है कि जिसमें अल्प जीवन काल और दीर्घ जीवन काल कहते हैं, 2 पार्ट हो गए ना लाइफ साइकिल, एक अल्प एक दीर्घ जीवन काल। अल्प जीवन काल में क्या होता है, जो लेपिडोप्टेरस कीट्स होते हैं, कीट होते हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के, वो जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं उसकी तरह ही इनके लाइफ होती है जो कि 10 दिन से लेकर 30 दिन तक का जीवन होता है, इसकी लाइफ होती है। और दीर्घ जीवन काल में जो लार्वा है या जो सुंडी है वो शीत निष्क्रियता में हो जाती है, तो इसका जो लाइफ है वो 1 साल से लेकर 2 साल तक के लिए बढ़ जाता है। नेचुरल सी बात है, शीत निष्क्रियता में वो पड़ी रहेगी तो नेक्स्ट जो फॉर्म है प्यूपा वो नहीं बनेगी, और अगर प्यूपा नहीं बनेगा तो ब्रोड नहीं बनेगा, तो उसका जो लाइफ का पूरा होने का टाइमिंग है वो 1 से 2 साल तक हो जाता है। और दीर्घ जीवन काल में जो सुंडियों में 2 प्रकार की सुंडियां मिलती हैं ना, दीर्घ जीवन काल क्या हो गया, जब सुप्तावस्था में रहे और उसके बाद ये 1 से 2 वर्ष तक इसका जीवन हो गया, तो उसमें ये 2 प्रकार की जो सुंडियां या जो ये लार्वाज मिलती हैं, जिसमें से कुछ तो जो प्यूपा में साधारण तरीके से बदलती हैं और कुछ लंबी शीत निष्क्रियता के लिए तैयारी करती रहती हैं। मतलब जो दीर्घ काल की जो जीवन जीते हैं उसमें भी आधी सुंडियाँ ऐसी होती हैं जो तैयारी करती रहती हैं कि इसकी प्यूपा अवस्था में बदलने के लिए, आधी शीत निष्क्रियता को बढ़ाने के लिए ही तैयार होती रहती हैं। और ये क्या करती हैं सुंडी, अपने शरीर के चारों ओर कपास के बीजों को रेशमी धागों से बांधकर उसके अंदर आराम करती हैं। देखो कितने मजे की बात है, ये अपने लिए रेशम के धागे का
होल बना के उसमें रहते हैं, किससे, जो ये सीड्स होते हैं उनको एक अंदर से खा जाते हैं, तो वो जो रेशे होते हैं, जो फाइबर्स है ना, उन रेशमी धागों से बांध देती हैं कपास के बीजों को, फिर उसके अंदर ये आराम से रहती हैं और बहुत दिनों तक ऐसे ही इस दशा में पड़ी रहती हैं। और ये जो प्रकोपीत या जो ग्रसित बीज के साथ काफी दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती हैं। और ये क्या होता है, यह जो बीज है वो स्वस्थ बीज के साथ ही बोया जाता है, और उस कंडीशन में जब वो स्वस्थ बीज के साथ वो प्रकोपित बीज को बो दिया जाता है, तो सोई हुई सुंडी भूमि की सतह पर सुरंग बनाती है, और भूमि की सतह पर सुरंग बनाकर किसमें बदलती है, प्यूपावस्था में, थर्ड जो स्टेज है, तीसरी अवस्था में बदल जाती है। अब कैसी कंडीशन होगी, एक से हमारे पास सुंडी बनी, सुंडी में हमारे पास दो फॉर्म लाइफ साइकिल की, दो, एक अल्प एक दीर्घ। अल्प में क्या होता है, जो इतने उसमें प्यूपा अवस्था बदलती है, और जो दीर्घ है उसमें क्या, वो सुप्तावस्था में, शीत निष्क्रियता में पड़ी रहती है, और उसमें भी दो प्रकार की सुंडी है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, तो इसको आप गौर से सुनोगे भी और पढ़ोगे भी तो आपको ध्यान में रहेगा कि जो पिंक बॉलबॉम है उसके करेक्टर क्या है। दो प्रकार की जो सुंडी है उसमें एक तो जो जल्दी साधारणी प्यूपा में चेंज होगी, और जो दूसरी है वो फिर से आगे की शीत निष्क्रियता के लिए तैयारी करती है। तो थर्ड हमारे पास क्या आ जाती है स्टेज, प्यूपा, या जिसे कृमि कोष कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी जो थर्ड स्टेज है लाइफ की, कृमि कोष। कृमि कोष क्या होता है कि जो गोल गोले या जो बीज होते हैं उसमें से सुंडी बाहर निकल आती है, कब, जब उसे कोशावस्था में बदलना होता है। कोशावस्था में जब ये लार्वा या ये जो सुंडी है ये बदलती है, तो ये कहाँ हो जाती है, गोलों से बाहर या बीज से बाहर आ जाती है, और आसपास जो गिरी हुई सूखी पत्तियां होती हैं या भूमि के अंदर कोशावस्था में बदलती है। मतलब या तो ये जो ऊपर सूखी हुई पत्तियां उसके अंदर प्यूपा में चेंज होंगी, या फिर ये भूमि के अंदर जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाती हैं। और जो इसका कृमि कोष होता है या जो प्यूपा होता है वो ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का एक कोकून में बंद रहता है, और इसकी जो लंबाई है वो 6 mm और चौड़ाई 2.6 mm होती है, और इसका जो कलर है बाद में डार्क कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर। और इसकी जो कोशावस्था है, इसकी जो प्यूपा स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, वो 6 days से लेकर 20 days तक की होती है, और फिर इनसे क्या होता है, प्रौढ़ या एडल्ट निकलते हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेज क्या है, प्रौढ़ या एडल्ट। ये जो प्रौढ़ है या जो एडल्ट इंसेक्ट है वो लगभग 7 mm लंबा होता है, और उसकी बॉडी का कलर डार्क ब्राउन होता है, वो क्या होता है, भूरे रंग का या गहरे भूरे रंग का होता है। दो जोड़ी पंख होते हैं, और जिनके अगले पंख सिरे पर नुकीले होते हैं। अभी आपने पिछले में इसका डायग्राम एडल्ट का देखा था कि इसके जो पंख है वो आगे के सिरे पर नुकीले होते हैं, और अगली जोड़ी पंखों पर आड़ी गहरी भूरी धारियां होती है, मतलब लाइंस पाई जाती हैं, आड़ी गहरी और इसके ऊपर लाइंस पाई जाती हैं। और ये जो इनके एडल्ट है वो रात के समय में ही या संध्या के टाइम में निकलते हैं, कब निकलते हैं, रात के टाइम, वो धूलि या रात्रि के समय ही निकलते हैं, और लाइट पर आकर्षित होते हैं। नेचुरल तो इसको लाइट ट्रैप लगाकर हम इसे पकड़ भी सकते हैं। तो जब हम इसमें सीजन की बात को लेकर डिस्कस करते हैं, तो सीजन में मतलब जब सर्दी है, विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में क्या होता है, इसके एडल्ट मर जाते हैं, और जो फीमेल है वो लगभग 56 days तक, और जो मेल है वो ओनली 20 days तक ही जीवित रहते हैं। लाइफ साइकिल इनका 22 से लेके 77 days में पूरा हो जाता है, और एक जो साल है, एक साल में ये 4 से 6 पीढ़ियां मिलती हैं। और इस प्रकार हम इसका जो देखा हमने लाइफ साइकिल की, 4 स्टेज की लाइफ साइकिल में कैसे प्रोसेस चलता है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं नियंत्रण, किसका नियंत्रण करना है हमें, इस इंसेक्ट के या तो प्रकोप हो नहीं उसके लिए प्रिकॉशंस रखनी है, उसके उपाय करने हैं, और यदि प्रकोप हो जाता है तब उसके उपाय करने हैं कि कौन से केमिकल है या कौन सी दवाइयाँ हैं या कौन से इंसेक्टी पेस्टिसाइड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम फसल को बोते हैं तो गर्मियों के दिनों में उन बीजों को धूप लगवानी चाहिए, उनको सुखाना चाहिए या हीटर पर गर्म करके जो सुप्त अवस्था वाली सुंडियां, मीन्स जो इसके अंदर ऑलरेडी सोई होती हैं, कि जब उनको बोया जाता है तब वो एक्टिव होते हैं, उनको मारा जा सके। फिर जब इन बीजों को ट्रीट करके ही बोना चाहिए, जैसे जो ब्रोमाइड धूमक है या ऐसा भी जो है, इनको ट्रीट करके हमें बोना चाहिए। बीजों की बुआई करने से पहले सीड्स को ही हमें ट्रीट करना चाहिए, और खेत में गिरी पत्तियां, फूल, गोले आदि को इकट्ठे कर कर नष्ट कर देना चाहिए। ये तो हमारी प्रिकॉशंस चल रही है। कि और अगर कीट से ग्रसित गोले को जहां तक हो सके पौधों से तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। मतलब जो गोले हमें लगते हैं जिसमें हमें आइडिया लग रहा है कि छेद या छेद का निशान दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर सुंडियां, तो उनको तोड़कर खत्म कर देना चाहिए। और कपास बोने से पहले बाकी जो पौधे हैं उनको काटकर साफ कर देना चाहिए। और यदि इन पर इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया हुआ है, तो ये कब करती हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं सितंबर, जुलाई से सितंबर के महीने में। और यदि प्रकोप हो गया है तो उसको जैसे ट्राइजोफस, स्पाइनोसेट, एंडोकार्प, हाइडीकार्प आदि से ट्रीट करना चाहिए, या पानी में मिलाकर जिसको छिड़काव के जरिए हम खेतों में छिड़क सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पेस्टिसाइड्स हैं या जो भी ये जिसको आप दवाएं कह सकते हो, इन दवाओं के छिड़काव से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं।